देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के जुहू इलाके में पुलिस ने दो दुर्भाग्यशाली चोरों को गिरफ्तार किया। बैंक में चोरी की नियत से घुसे इन चोरों के हाथ मात्र 2000 रुपए और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ही लगे। दोनों चोर मित्र हैं और वसई इलाके में रहते हैं। ये बैंक की कैंटीन में काम करते थे। बैंक कर्मचारियों के आने पर चोरी की घटना का खुलासा बैंक शाखा के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि दोनों चोरों ने बैंक के अंदर ही रात बिताई। इस दौरान उन्होंने पूरे बैंक को छान मारा, लेकिन उनके हाथ मात्र 2000 रुपए ही लगे। उन्होंने तिजोरी को भी तोड़ने की भरसक कोशिश की, लेकिन सफल ना हो पाए। इसी बीच सुबह हो गई और वे फरार हो गए। ये चोर एसी की पाइप के रास्ते बैंक के अंदर घुसे थे। इन चोरों को पकड़ने वाली टीम के एक सदस्य ने कहा, वे जानते थे कि एसी की मरम्मत चल रही है, जो उनके लिए घुसने का एक आसान रास्ता बन गया। बताया गया कि तिजोरी को नहीं तोड़ पाने पर एक व्यक्ति ने बैंक के अंदर ही रखी कैश जमा करने वाली मशीन को तोड़ने की कोशिश की। सूत्रों ने कहा, चोरों ने कैश जमा करने वाली मशीन में लोगों को पैसा जमा करते देखा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अंदर काफी धन है। वे ये नहीं जानते थे कि हर दिन मशीन में से कैश निकाल लिया जाता है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।